हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड, इस समय बज रहे हैं सुबह के 10 और हम लोगों का ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो चुका है और हम लोग हैं इस समय घर के बाहर। मम्मी और भैया जा रखे हैं अभी बेलपड़ाव के बैंक में, क्योंकि मम्मी का जो पेंशन मम्मी की आती है वो पेंशन मम्मी की 3 महीने से आई नहीं है, मार्च मंथ से रुक गई है। तो पता नहीं चल पा रहा है कि क्या रीज़न है और ना बैंक वाले बता रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग यहीं से बेलपड़ाव से पता करेंगे, अगर यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगी तो अपने होम ब्रांच रामनगर स्टेट बैंक में जाएंगे भैया और मम्मी। तो फ्रेंड्स, मम्मी और भैया तो बेलपड़ाव के स्टेट बैंक से आ गए हैं, बट यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। यहाँ से कहा गया है कि अपने ही होम ब्रांच रामनगर स्टेट बैंक में जाएं और वहाँ मैनेजर से ही कांटेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ बैंक वालों को खुद पता नहीं है कि करना क्या है, कहाँ से क्या होगा। तो अभी थोड़ी देर में भैया और मम्मी जाएंगे रामनगर के स्टेट बैंक में और अब भैया करेंगे पता कि क्या प्रॉब्लम है, आखिर किस वजह से प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही है और बैंक वाले क्यों हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो अभी देखेंगे बैंक जा करके। सो फ्रेंड्स, अभी मम्मी और भैया रेडी हैं स्टेट बैंक रामनगर जाने के लिए, बिकॉज 3 महीने से मम्मी की पेंशन रुकी हुई है और बैंक के चक्कर काटते काटते हम लोग भी परेशान हो चुके हैं, बट बैंक वाले बता नहीं रहे कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और उसको किस तरीके से ठीक करना है। तो आज भैया जा रहे हैं मम्मी के साथ में, आज मालूम चलेगी डिटेल। तो फ्रेंड्स, जिया कर रही है सर्व खाली, उसे डब्बे में रख रही है सर्व को। तो फ्रेंड्स, ये जितना डिब्बे में रख रही है उतना ही टॉवेल में भी रख रही है, आज इसको प्रैक्टिस दिलाने की सर्व कैसे खाली करते हैं। लो, अब जा रहे ना सही, अब जा करके सीखिए। सो फ्रेंड्स, जय यहाँ पर कितने आराम से चेयर लगा करके ठीक फैन की हवा के नीचे बैठा हुआ है और ये अपना टाइम पास कर रहा है। सो फ्रेंड्स, करते हैं टेलरिंग का काम स्टार्ट और मैं करूँगी सबसे पहले ये है मच्छरदानी और आज मच्छरदानी का कर देते हैं कटिंग करके काम तमाम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका करूँगी मैं, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं इसको काट देती हूँ। मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ ये जब रेडी हो जाएगा तब बना करके दिखाऊंगी आप लोगों को। फिलहाल आप लोग देखते रहिए कि मैं कर क्या रही हूँ। स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी कटिंग करी है और अब इसको इसी स्टाइल में हम सिल लेंगे। तो निकालते हैं मशीन और करते हैं स्टार्ट इसकी सिलाई। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अभी से सिलना। सो फ्रेंड्स, मैं ये बना रही हूँ भैया की कार के लिए मच्छरदानी पर्दा स्टाइल में। तो ये तो मैंने बना दिया है और सही भी हो रहा है ये। तो अब इसकी, क्योंकि इसका नाप वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, तो अब इसकी अच्छी तरीके से फिनिशिंग कर देते हैं। उस समय तो मैंने केवल एक टेम्पररी तौर पर बनाया था और चेक करने के बाद ये बिल्कुल फिट बैठा है। तो अब इसको अच्छे से इसकी सिलाई वगैरह करके इसकी फिनिशिंग कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये दूसरा वाला भी बन करके रेडी है, ये भी कंप्लीट हो गया। आगे का काम करेंगे अब इसमें कल और अभी मशीन संभाल देते हैं, बिकॉज ये तो कंप्लीट है। अब बस अब इसमें नीचे से लेस लगाना है और वो लेस लगाने का काम करेंगे कल। बाकी ये दोनों बन करके अब हो चुके हैं कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं दोपहर के 3 और मम्मी और भैया भी बैंक से आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज भी बैंक में कोई काम बना नहीं। बैंक वालों ने कह रखा है कि अपने ही लाइजन पर बड़े बैंक को मेल सेंड करें। तो अभी भैया मेल वगैरह सेंड करेंगे, तब उसके बाद हम लोगों को आगे की जानकारी वगैरह मिलेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिन का खाना भी बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे चने और उड़द की दाल बना रखी है और इधर पे आम की चटनी बनी है। इसमें है आम, प्याज, लहसुन, अदरक,
और अब इसमें मसाले डालेंगे। सो फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं शाम के 7 और मैं भी हूँ घर के बाहर। ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा करके हो गया है, तो इस टाइम पर थोड़ा बाहर मौसम सही रहता है तो ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके बाहर घूमना फिरना हो जाता है इस टाइम पे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आज पानी बहुत स्लो आ रहा है तो आज उधर से भरना पड़ रहा है हम लोगों को पानी, तो आज बाहर से भरेंगे उस साइड से पानी। और जय की चल रही है यहाँ पर ट्रेनिंग। जय क्यों लटक रहा है इस तरीके से, वो भी उल्टे तरीके से लटक रहा है। ऐसे लटकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज जय कर रहा है मेहनत। तो फ्रेंड्स, पहले वहाँ से इतनी मेहनत करवा ली और अब यहाँ पर भी आने लग गया पानी। स्लो आ रहा है बट अब यहाँ पर भी आने लग गया। तो फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह से ही पानी बहुत स्लो आ रहा है इसलिए अभी मम्मी लोग अंदर ही पानी स्टोर कर दे रहे हैं, क्योंकि हर बार गर्मियों में पानी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसीलिए अंदर ही पानी स्टोर कर देते हैं ताकि पानी की कोई दिक्कत ना हो अगर पानी ना भी आए तो। सो फ्रेंड्स, भैया भी आ गए घूमकर। भैया गए थे घूमने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं रात के 9 और हम लोगों का भी डिनर बन के तैयार है। तो अभी हम लोग सब करेंगे डिनर और मैं करूँगी अपना आज का ब्लॉग यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।